नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर कांग्रेसी पार्टी का पलटवार, उपचुनाव बन रहा है भूली बिसरी बातों का संघर्ष अखाड़ा। मध्य प्रदेश की विधानसभा महगांव उपचुनाव में इन दिनों राजनेताओं की होड़ लगी है। कोई किसी पर जवानी हमला कर रहा है तो कोई दल पार्टी किसी की स्ट्रिंग ऑपरेशन कर वीडियो वायरल कर रहा है। ऐसा ही एक मामला, भारतीय जनता पार्टी के अटैर विधायक कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के नाम का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अटैर के चुनाव में पूर्व विधायक हेमंत कटारे के ऊपर लगाए गए दलित समाज के कल्याण जाटव के साथ हुई मारपीट की घटना के जिक्र का खुलासा किया गया है। इन दिनों महगांव विधानसभा में अटैर विधायक अरविंद भदौरिया भाजपा के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें दलित समाज में कांग्रेस ही अपनी छवि को साफ रखना चाहती है और भाजपा का दलित समाज से ध्यान भटकाना चाहती है। हाल ही में हुआ बहुजन समाज पार्टी की प्रचार प्रसार वाहन पर हमले से भी माहौल गहमा गहमी भरा महसूस हो रहा है। डिस्टिंग हुए वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पार्टी के नेताओं का चरित्र आम जनता तक पेश किया गया है। वीडियो भी उसी व्यक्ति का बताया जा रहा है जो कि दलित समाज से है और फरियादी कल्याण जाटव स्वयं बनाए गए थे। मारपीट का आरोप भी अटैर पूर्व विधायक हेमंत कटारे पर लगाया गया था, जो कि वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं, हेमंत कटारे पर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है, यह षड्यंत्र रचाया गया था। इसका खुलासा करते हुए कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो इमरान अली खान, प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। गवाह तो हमने ऐसे काट दिए कि जो हिले ही नहीं। गवाह तो हमने ऐसे काट दिए जो हिले नहीं, तब तो खेल खेल ही रहे, नहीं तो तभी नहीं कर देते। मतलब ये एक खेल है। रिपोर्टर पूछता है, अरविंद से कब से बात नहीं? अरविंद से बात नहीं हो पाती, उनके भाई साहब से बात होती है, देवेंद्र से बात हुई। रिपोर्टर, अरविंद से कितने दिन है गए, आमने सामने बात नहीं हुई। वे आमने सामने गए जब हमारे गांव, तब बीड़ी सगर के लग गई, तब वे देखने को गए, तब बिन में यही कही हमें, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि अरविंद भाई साहब यही बैठे हैं। अरे हम अरविंद भाई साहब ही बैठे हैं। फिर रिपोर्टर पूछता है, आपने केस में अरविंद की कितनी मदद कर रहा है? तो अरविंद बोला, अरविंद जी की तो लीला है, इस पर ध्यान दीजिएगा, अरविंद की ही तो लीला है, ये पूरी तरह लीला अरविंद की ही है, ये कल्याण जाटव जी के शब्द। फिर रिपोर्टर पूछता है, पूरी अरविंद की ही लीला है? तो कल्याण जाटव बोलते हैं, हाँ पूरी अरविंद की ही लीला है। तो रिपोर्टर पूछते हैं, तो क्या अरविंद के कहने पर हेमंत बिन गए? तो कल्याण जाटव कहते हैं, और कैसे बिन गए? उन्होंने ये कहा, चिंता मत करो मास्टर साहब, जो कुछ है सब खर्चा हम देंगे। फिर से नोट करिएगा, इसका मतलब यह है, स्टेटमेंट साफ से चल रहा है कि हेमंत कटारे जी को फंसाने के लिए कल्याण जाटव जी को अरविंद जी द्वारा पैसा भी खर्चा भी दिया गया। तो रिपोर्टर पूछा, अरविंद ने? आओ, लेकिन डटे रहो, मजबूती होकर रहो, अपनी जगह पर हटना नहीं है। रिपोर्टर, अरविंद के हिसाब से हेमंत निपटोगे? हाँ। ये पूरी स्टेटमेंट है, इससे समझ में आ जाता है कि पूरा षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया। और FIR में भी इस प्रकरण की FIR हुई, उसमें कहीं भी हेमंत कटारे जी का नाम नहीं है। उसके बावजूद कल जो स्टेटमेंट आया है ओपीएस भदौरिया जी द्वारा, हम उसकी पूरे शब्दों में निंदा करते हैं और प्रेस के सभी बंदियों से हम ये कहते हैं कि आप सभी लोग सच का साथ दें। इस तरह की भ्रामक खबरें जो ओपीएस भदौरिया जी द्वारा और भाजपा के द्वारा फैलाई जा रही है, उसका आप लोग खंडन करें। हम लोग भी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाज के बीच में जाएंगे और सबके बीच में ये सच रखेंगे। धन्यवाद।